महाराष्ट्र सरकार में नए मंत्री बने डॉक्टर परिणय फुके के समर्थकों ने नागपुर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। दरअसल मंत्री बनने के मुंबई से नागपुर पहुंचे परिणय फुके के स्वागत में सैकड़ों समर्थक नागपुर एयरपोर्ट पर आ गए। इस दौरान समर्थक न केवल एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते दिखे बल्कि वहां पर लगी हुई रेलिंग पर चढ़ गए जिससे वो टूट गई। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। नागपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, मंत्री के समर्थकों का यह हंगामा। पानीपत में बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में एटीएम में लूट की वारदात को अंजाम दिया। कार से आए बदमाशों ने गार्ड को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया और 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। एटीएम के गार्ड की मौजूदगी के बावजूद अगर लुटेरे पैसे लूटकर फरार हो जाएं, तो समझा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। ये सीसीटीवी फुटेज हरियाणा के पानीपत की है, जहां पर एक बैंक में लाठी और डंडे लेकर घुसे चोरों ने 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। देखिए किस तरह पहले दो लुटेरे एटीएम के अंदर बेहद इत्मीनान से दाखिल होते हैं। अंदर आने के बाद एक लुटेरा एटीएम के दरवाजे को बंद कर देता है, वहीं दूसरा लुटेरा गार्ड को तमंचा दिखाकर एक तरफ जाने को कहता है। इस बीच लुटेरा गार्ड के मोबाइल फोन को लेकर अपनी जेब में रख लेता है। एक बार फिर से तमंचा दिखाते हुए बदमाश गार्ड को एक कोने में जाकर बैठने के लिए कहता है। गार्ड हथियार के सामने बेबस नजर आता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा बदमाश कह रहे थे। इस बीच दूसरा बदमाश एटीएम के शटर को गिरा देता है और गार्ड को चुप रहने का इशारा करता है। बदमाश गार्ड से कुछ पूछताछ करते हैं। एटीएम के अंदर जमीन पर सहमा बैठा गार्ड उनकी बातों का जवाब देता है। अचानक एक बदमाश की नजर सीसीटीवी कैमरे पर जाती है, वहीं तमंचा लिए हुए बदमाश दूसरे बदमाश को गार्ड को बंधक बनाने का निर्देश देता है। फौरन दूसरा बदमाश टेप निकालकर गार्ड के हाथ पैर को बांध देता है। इधर तमंचा लेकर खड़ा बदमाश अपना हथियार दूसरे बदमाश को देकर गार्ड पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे पर ये बदमाश टेप लगा देता है। क्या 2022 के लिए मायावती ने दिया अखिलेश को धोखा, इसी पर करेंगे बड़ी बहस अब से कुछ देर में। बन रही हमारे साथ।